हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विश्वजीत सर, और आज हम लोग द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट हम लोग जानेंगे। इसके अलावा मैं इसमें कई चीज़ें आपको दिखाने और बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही यूज़फुल जानकारी है दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास के फादर कौन है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस याद रखिएगा दोस्तों। जहाँ तक इकोनॉमिक्स के फादर दिख रहे हैं, एडम स्मिथ को याद रखिएगा। सिविक्स को देख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ज्योग्राफी के पिता इरेट्रोस्थानिस, इसके प्राचीन पिता निकेटियस को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बायोलॉजी के पिता अरस्तु, और मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता जो हैं लवेजियस को कहा जाता है। भौतिकी के पिता आप लोग देख रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजक न्यूटन को भी कहा जाता है, और गैलीलियो को भी कहा जाता है। जूलॉजी के पिता अरस्तु ही हैं। कंप्यूटर का फादर जो हैं चार्ल्स बेबेज। वनस्पति विज्ञान के पिता जो है थियोक्रेटस हैं। बोटनी के पिता जो हैं मैंने पहले ही बता दिया था। हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इंग्लिश के पिता जॉफ्री चौसर हैं, जबकि संस्कृत के पिता पाणिनि हैं। मैथ्स का आर्किमिडीज, ज्योमेट्री का यूक्लिड, मेंसुरेशन का लियोनार्ड ड्रिक्स, अलजेब्रा का मोहम्मद इज्म मुस्लम खारिज्मी, प्रोबेबिलिटी का ग्रिलोमो कार्डनो, ट्रिग्नोमेट्री का हिपरकुश, इंग्लिश ग्रामर का लेंडे मोरे। दोस्तों, मैं हम लोग कुछ यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें, ताकि नए वीडियो आपको टाइम पे मिले। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले नए अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम पर मिले। धन्यवाद दोस्तों।